प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के दौरान 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का क्षेत्रीय जनता से अनुरोध किया था, जिसका असर साफ दिखाई देता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के करावल नगर इलाके की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्रीय जनता कर्फ्यू लगाकर अपना वादा निभा रही है। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, अर्ध सैनिक बलों के अलावा पब्लिक सड़कों पर नजर नहीं आ रही। दुकानें भी बंद पड़ी हुई हैं। कहीं कहीं बच्चे बालकनी में भी नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना था कि मोदी जी ने देश से जो अनुरोध किया था उसका हम पालन कर रहे हैं और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी जी ने ये एक उचित कदम उठाया है। जनता इसका भरपूर सहयोग दे रही है। उपेंद्र जी, यदि बात करी जाए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में देश को संबोधित किया था कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए 22 तारीख को, कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? असर तो पूरा है, सब कुछ सहयोग है इसमें, हमारे फायदे इसमें। जनता सहयोग कर रही है सर, कैसा लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? लोग निकल रहे हैं घरों से? बहुत कम सर, कोई रियल कोई काम होगा, जरूरी काम होगा तभी निकल रहे हैं, वैसे नहीं निकल। जो हमारे चाचा जी ने कहा है वो समर्थन है पूरा, भरपूर है, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, और बनता भी है। तो सहयोग होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए, देश के लिए और हमारी आम जनता के लिए। मेरा नाम ठाकुर सिंह। कौन सा इलाका लगता है ये? बिहार। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश को संबोधित किया था कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया जाए, किस तरीके का कर्फ्यू देखने के लिए नजर आ रहा जनता का? जनता का समर्थन है प्रधानमंत्री के लिए, अच्छा काम किया उसने ऐसा करके, प्रधानमंत्री है वो। जनता सहयोग कर रही है? जनता पूरा सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो, प्रधानमंत्री जी की सही योजना है जी, और इसको निभाना चाहिए हर आदमी को। जनता सहयोग कर रही है? हाँ जी, फुल साथ में है जी। रवि, कौन सा इलाका लगता है ये? ये जी करावल नगर हरजन बस्ती। अच्छा, यदि बात करी जाए, रवि जी, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था देश को कि 22 मार्च को लोग सांकेतिक जो है इस तरीके का कर्फ्यू लगाएं गली गली में, कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? सर 100% असर मिल रहा है, हम भी समझा रहे हैं। मैं अभी अपने प्लॉट से आया था, और उसको कह के आया था कि सब अपने घर में रहिए, औरों को भी समझा रहा हूं, और मैं भी खुद अपने घर जा रहा हूं। जी, बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी का हमारे का, इससे देश में कोरोना कम मरीज होंगे, संक्रमण वहीं रहेगा जहां तक है उनके पास, और ज्यादा नहीं फैलेगा संक्रमण जो फैल रहा है। आज सुबह से यदि बात करी जाए, 7 बजे से इस समय टाइम 10 बज रहे होंगे, तो लोग सहयोग दे रहे हैं क्या? लोग जी पूरा सहयोग दे रहे हैं, देखना रोड पूरा खाली है, कल कई आदमी आ रहे हैं, इनको भी BSF समझा रही है, पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, सभी अपने घर जाएं, और ऐसा पब्लिक मान भी रही है, मोदी जी का पूरा साथ दे रही है पब्लिक, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से जनता ने अपने अपने इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312,
1041-83-12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।